नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ का विश्लेषण कर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के यहां पर एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा कि कैसा जो है इनका रहेगा आने वाला जीवन, और सारे जो है पर्वत कर एक एक रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर आते हैं सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ के विषय में। तो ओवरऑल फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, तब भी कंपैरेटिवली ऐसे लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी देखने को मिलती है। थोड़ा कहीं ना कहीं अंगूठा शॉर्ट है, जो अंगूठे शॉर्ट होने के कारण व्यक्ति थोड़ा हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी में कई बार निर्णय ले लेता हुआ जो है देखने को मिलता है। अदरवाइज देख पाएंगे फिंगर के बीच में यहाँ जो गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंसी को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है, यानी ऐसे लोग स्वतंत्रतापूर्वक रहना जीना बहुत पसंद करते हैं। यानी इनके ऊपर कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी दबाव डाले या इनके ऊपर बढ़ चढ़ने की कोशिश करे तो उसको जो है बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं, और जितना हो सके अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट सोच और हर चीज़ जो है स्वतंत्रतापूर्वक करना, यानी खर्चे भी जो है ऐसे लोग बेझिझक करके स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। तो इसी कारण खर्चों पर भी जो है बेसिकली नियंत्रण नहीं रह पाता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में चर्चा करें तो वो कंपैरेटिवली अच्छी है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, स्पष्ट और सीधे तौर पर लोगों के सामने अपनी बात रखने वाले होते हैं, ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट या कम्युनिकेशन की कुछ भी या शर्मिलापन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा है फर्स्ट फिंगर से, जिसके कारण सन की क्वालिटी सर्वप्रथम ऐसे लोगों में होती है। सन की क्वालिटीज़ के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग जो है पर्सनैलिटी वाला होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में रिस्क लेते हैं, भले ही पास में कोई सिक्योरिटी हो या ना हो, और यही रीज़न है कि बहुत बार सफल भी साबित होते हैं, और लाइफ में जो है इनके रॉयल्टी, फेम, पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस भी बहुत ब्राइट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक इसका रीज़न होता है सबसे महत्वपूर्ण, कि ऐसे लोग बहुत अच्छे कलात्मक गतिविधि वाले होते हैं, क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो बहुत अच्छी होती है। यही रीज़न है कि समाज में पूजनीय, घर के मुखिया, इस प्रकार के योग जो है ऐसे लोगों के विशेष तौर पर बनते हुए देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इनके फिंगर के ऊपर। तो फिंगर के ऊपर हल्की हल्की सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली अच्छी है, जिसके कारण फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव होने के साथ साथ हर परिस्थिति में अपने को जो है ढाल लेना, इस प्रकार के योग जो है बनते हैं। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात करें तो नीचे का जो एरिया है वो अच्छा उभरा हुआ है, जिसके कारण स्टेमिना, स्ट्रेटजी भरा जो है काम करने योग्य काबिलियत जो है अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। अंगूठे पर एक सबसे अच्छा साइन यही होता है जब यहाँ पर प्रॉपरली यव साइन बन जाए, लेकिन जब ये ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मनी लीकेज के शिकायत जो है ऐसे लोगों में होती है, कि धन तो जीवन बहुत अच्छा रहता है लेकिन वो रुक नहीं पाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से धना जो खर्च है इसके योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अदरवाइज पहले पर्व की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण इच्छा शक्ति, कुछ नया चीज़ सीखने की, जानने की चाहत, ये सब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है, कभी ये सब चीज़ ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ पर आते हैं पाम के साइज में। तो पाम जो है इनका प्योर जो है यहाँ पर स्क्वेरिश पाम है। स्क्वेरिश पाम अपने आप में मेहनती होने के साइन को बताता है, कि ऐसे व्यक्ति जो है हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। अगर इनको नींद के बीच में भी बोल दिया जाए ये काम करना, तो कहीं ना कहीं वो टाल मटोल वाला काम इनका नहीं रहता है। प्रॉपरली वर्क करना, प्रॉपरली अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, और खासकर मेहनत के बलबूते पर और अपने लाइफ में अच्छा सक्सेस पाना, इन सब के योग बहुत यहाँ पर ब्राइट बनते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर्वत यहाँ वीक है, यानी कम क्षेत्र ले रहा है। जब ये कम क्षेत्र ले रहा है तो गुरु से रिलेटेड जैसे सुख सुविधाएं का कारक होता है, गुरु दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, इन सब में हल्का कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन जो है मिलते हुए देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलने वाली इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति निरंतर जो है अपने जीवन में प्रोग्रेस करते चले जाते हैं, निरंतर इनका जो है उन्नति होता चला जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक जुनून को बताता है, कि ऐसे व्यक्ति जुनूनी किस्म के होते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहत के लिए और अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में हमेशा जो है लगे हुए रहते हैं। वहीं आड़ी रेखा जो है धार्मिकता को, यानी जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत रहने वाला रहेगा। आगे चल करके आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी करने वाले रहेंगे और साथ ही साथ दयालुपन भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में रहेगा। फिर यहाँ पर आते हैं शनि पर्वत पर। तो शनि पर्वत भी एक से अत्यधिक रेखा होना, यानी अनेकों माध्यम से धन अर्जन का सर्वप्रथम जो है चिन्ह होता है। यहाँ पर फेट लाइन जो आपकी निकली हुई है इस प्रकार से निकलते हुए चल रही है, ये थोड़ी सी फैली हुई फेट लाइन सही नहीं मानी जाती है, जो कि ये ही शो करती है कि स्टार्टिंग लाइफ में कहीं ना कहीं आपको किस्मत का साथ होते होते भी नहीं रहा है, यानी
मेहनत या फिर दूसरों के सहयोग के बलबूते पर ही आप अपने आपको थोड़ा बहुत जो है भाग्य वगैरह ये सब जो है मिला हुआ है। इसका एक रीज़न ये है कि थोड़ा ये स्टार्टिंग में फैला हुआ है, आगे चल करके पतला होता जा रहा है, गुरु की तरफ झुकाव है, फिर माइंड लाइन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन निकलते हुए सीधे सैटर्न के एंड टू एंड तक पहुंच गए हैं। तो ये बता रहा है कि तकरीबन 35 प्लस एज के बाद में अचानक से कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंजेस या कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, जिसके कारण अच्छा धनार्जन हुआ है और ये जो रेखा सीधे पहुंच गई है ये सीधे सीधे यही इंडिकेट करती है कि अब आप लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी संतुष्टमय जीवन रहेगा, यानी आपकी सारी इच्छा मनोकामना तकरीबन सब के सब पूरी होने वाली रहेगी। और जो थोड़ा गुरु की तरफ झुका हुआ है इसके कारण बेनिफिट्स ये रहेंगे कि इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लोगों में जो है आप पूजनीय साबित होने वाले रहेंगे। आते हैं सीधे अब यहाँ पर जो है आपके सूर्य के क्षेत्र पर। तो सूर्य रेखा जो है इस प्रकार से बिल्कुल माइनर से निकलते हुए इस प्रकार से सीधे यहाँ तक गई हुई है, और इसको ये काटने वाली रेखा बेसिकली हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। जब इस प्रकार से मेन फेट लाइन यानी मेन सन लाइन के ऊपर इस प्रकार से जब स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो तो इससे लोग इतना नाम कमा जाते हैं अपने जीवन में कि मरने के बाद भी इनको बहुत टाइम तक याद किया जाए या फिर इनकी कमी लोगों में खले, मतलब ये से लोग जो है पूजनीय साबित होते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बना देने वाले या अपने क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक या किसी भी क्वालिटी अपने नेचर के बिहाफ पे ऐसे लोग जो है सम्मानित भी होते हैं। और अगर बिजनेस के क्षेत्र में जाए या किसी ऐसे क्षेत्र में जाए जिसमें ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं तो वो उसमें देश विदेश हर जगह फेम हो जो है पाने का योग बनता हुआ देखने को मिलता है। तो सूर्य पर इस प्रकार के चिन्ह होना अत्यंत शुभ होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होने का भी योग जो है ये दर्शाता है, और खूब आत्मविश्वास आत्मबल होने का योग सूर्य जो है एकमात्र ग्रह व्यक्ति को दे देता है, तो ये साइन बहुत बेस्ट होता है। आते हैं अब सीधे यहाँ पर मरकरी पर। तो बुध पर्वत जो है बीच में थोड़ा सा जो है दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ और चलता है, व्यक्ति के दिलो दिमाग में कुछ और चलता है, बोलता कुछ और है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना कि आखिर चाहता क्या है, चाहते क्या है ऐसे लोग, तो वो दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज देखा जाए यहाँ पर तो एक से अत्यधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व की सर्वप्रथम निशानी होती है। ये सीधे सीधे यही इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग इनसे इंप्रेस हो जाए या फिर आप जो है लोगों को बांधे रखें। तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक है जो व्यापारिक क्षेत्र में बहुत उन्नति दिलाता है, लोगों से बंधे रहते हैं, एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी होती है कि लोगों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं, अपने तरफ से जो हेल्प बन पड़ रही है कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि ये कनेक्टेड है यहाँ पर सन से, और इसीलिए पूजनीय आप साबित होने वाले रहेंगे। आते हैं सीधे हृदय रेखा में। तो उसके पहले जो आपकी यहाँ पर यूनियन लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन है, तो कहीं ना कहीं जो स्पाउस होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है। आते हैं अब यहाँ पर हृदय रेखा के ऊपर। तो हृदय रेखा जो है गुरु से कनेक्टेड होकर के आपकी चल रही है, और एकदम यहाँ से सीधी सीधी रेखा थोड़ा कट कट के इस प्रकार से सीधे जा रही है। गुरु से कनेक्टेड होने के कारण भावुकता व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है, इमोशनल नेचर ज़्यादा होता है, लोगों द्वारा इजिली यूज़ किया भी जा सकता है आपको, और कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाना, लोगों से जिसके भी साथ आपके रिलेशन या संबंध बन गए हैं उसको उसके साथ कंटिन्यूटी हमेशा रखना, लॉयल रहना, ईमानदार, ये सब क्वालिटीज़ रहेगी। और जो ये सीधी रेखा है ये कार्य के प्रति एकाग्रता को व्यक्त करता है कि आप जो भी प्रोफेशन या करियर में रहेंगे बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड नेचर आपका रहेगा। अब यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के साथ ये स्थिति है कि यहाँ पर एक जो है रेखाएँ यहाँ पर जो आपकी चल रही है ये इन्फ्लुएंसिंग लाइन है बेसिकली, जो थोड़े विचारों में कह सकते हैं नेचर में होने वाले चेंजेस को यहाँ पर सर्वप्रथम इंडिकेट करती है। थोड़ा इन्फ्लुएंस आप जो है जल्दी हो जाएंगे किन्हीं के बातों के द्वारा, किन्हीं के बर्ताव के द्वारा, किन्हीं के कुछ टोंट के द्वारा, तो ये थोड़ा सा एक नेचर में आ जाता है व्यक्ति के, कोई बात नहीं। आते हैं सीधे यहाँ पर अब आपके माइंड लाइन के ऊपर। तो आपका माइंड लाइन जो है इस प्रकार से निकलते हुए छोटा सा बहुत माइनर सा एक द्वीप यहाँ पर बनी हुई है, और इस प्रकार से माइंड लाइन आपकी चल रही है, और इसके साथ भी एक पैरेलल लाइन चल रही है जो कि बेसिकली सपोर्टिव लाइन है, जो मेंटली स्ट्रांग स्टेबल होने की निशानी होती है। लेकिन तब भी तकरीबन 31 के एज के आसपास में कुछ ना कुछ 31 से 40 के दरमियान में थोड़ी बहुत टेंशन, अनेकों प्रकार के थोड़े ट्रबल्स, डिप्रेशन या थोड़ी बहुत कष्टों का सामना आपने किया है, उस दौरान में थोड़ी बहुत चिंता वगैरह थी, लेकिन मेंटली जो है आप स्ट्रांग हैं, इसके कारण ये सब ज़्यादा अफेक्टेड आपके लाइफ में नहीं रहा है। और मेन बात यहाँ पे है कि बायफोर्क जो आपकी रेखाएं हुई हैं यहाँ पर माइंड लाइन, ये व्यक्ति को और पावरफुल माइंड देती है, यानी किसी चीज़ को
मतलब सहने की, समझने की जो क्षमता है वो व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो ये योग भी बहुत यहाँ पर अच्छा माना जाता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो मेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज़ फोकस इतना मुझे स्टडीज़ और इन सब में तो इतना ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है। अदरवाइज़ आते हैं आपके सीधे अब लाइफ लाइन के ऊपर। तो लाइफ लाइन का फ्लो भी इस प्रकार से निकल रहा है, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जो डिफरेंस हुआ है वो थोड़ा देरी से हुआ है। तो देरी से इंडिपेंडेंट या देरी से अपने खुद के बलबूते पर खड़े हो पाने का योग बना है, और यहाँ से रेखा सीधे निकल के जो है बाहर की ओर आपकी जा रही है, यानी चंद्र की तरफ झुकाव है। जब चंद्र की तरफ झुकाव होता है जीवन रेखा का, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने रहने बसने का योग बहुत प्रबल बन जाता है व्यक्ति का। परंतु ये डिपेंड करता है कि अंत कहाँ हो रहा है जीवन रेखा का। तो अंत हो रहा है शुक्र पर्वत के नीचे, तो वापस यही रहेगा कि ट्रैवलिंग आपकी खूब रहने वाली रहेगी विदेश में, अनेकों जो है विदेशी भूमि में आप भ्रमण करने वाले रहेंगे, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट जो है होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अंत में शुक्र के नीचे आने वाली जीवन रेखा व्यक्ति को फैमिली से बहुत कनेक्टेड रखती है, और आखिर में जो व्यक्ति का अंत होता है उसके जन्म स्थान पर ही होता हुआ पाया जाता है। हालांकि उम्र जो है आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 85+ ईजिली जो है यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और लाइफ लाइन में भी आपकी यही बात है कि कुछ ट्रबल की रेखाएं हैं, जैसे कि ये जो काट रही हैं ये राहु लाइन्स हैं, जो एक प्रकार के ट्रबल लॉस इन सबको जो है बताती है यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो योग भी रहा है ये तकरीबन 32+ एज के बाद से ज़्यादा देखने को मिला है, 32, 34, 38 समथिंग एज के बाद, देन 42, 44 इन सब एज में थोड़े से ट्रबल या लॉस आपने बियर किए होंगे, और उसके बाद से जो है लाइफ लाइन में अच्छी खासी अभी फिलहाल के तौर पे मुझे सुधारता बहुत इसमें दिख रही है। जो इस प्रकार से जो आपकी प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से निकल रही है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स दिलाने के योगों को ही बताती है। बेनिफिट्स, अचीवमेंट्स, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इज्जत, मान सम्मान, या फिर उस टाइम पे आपकी जो भी उस एज में जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होगी वो पूरी होने के 100% योगों को ये व्यक्त करता है। और ये जो योग बन रहा है ये 52+ एज के बाद, देन 56-8 एज के प्लस में आकर के, और देन जो है 60 के बाद भी ये योग बहुत ब्राइट सब बन रहे हैं। आपके लाइफ लाइन के पैरेलल कोई मुझे इतनी मेजर लाइन नहीं दिख रही, कंपेरिजन में देख पाऊँ तो एक जो है लाइन इस प्रकार से पैरेलल चल रही है। तो ये बैक सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है कि किसी ना किसी का आपके जीवन में सहयोग तो रहा है, चाहे वो फिजिकली रूप से दिखे या ना दिखे, लेकिन बैक सपोर्ट ये होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो ट्रबल आती है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो पाती है, यानी उसका प्रभाव जो है ज़्यादा नहीं रह पाता है। उसके बाद भी थोड़ी सी रेखाएं और निकल रही हैं यहाँ पर जो दूसरों से मिलने वाले सहयोगों को सर्वप्रथम बताती है। मंगल जो पर्वत है आपका अंदरूनी और बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, जिसके कारण शारीरिक बल, गठन, ऊर्जा व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। जब बाहरी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति साहसी, धैर्यवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन दूसरों को दे देने वाला होता है, यानी जब भी आप दूसरों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा खासा ऊर्जा से, उत्साह से सामने वालों को लगेगा ही नहीं कि पहली बार जो है व्यक्ति से मुलाकात हो रही है। तो ये सब बेनिफिट्स एक कैरेक्टर स्टिक होते हैं। और यहाँ पर शुक्र पर्वत कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट है, तो फ्लैट होने के कारण जैसे मनी मैनेजमेंट इन सब की जो क्वालिटीज़ होती है ये अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि आप जो है लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधा, अपने फैमिली इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल या मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रही है। जब शुक्र अच्छा हो तो हेल्थ इंप्रूवमेंट की निशानी होती है। केतु माउंट पे भी यही है कि विभाजित हुई जीवन रेखा जीवन में उत्साह, उमंग और सर्वप्रथम यात्राओं का सुख जो है बहुत अच्छा देती है। और जब शुक्र के साथ साथ व्यक्ति का चंद्र अच्छा हो तो यह सकारात्मक ऊर्जा जो है क्रिएट करने वाला एक योग बनता है, यानी आपकी जो सोच रहेगी बहुत पॉजिटिव रहने वाली रहेगी। और यही रीज़न है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा या आपके सराउंडिंग में रहेगा तो वो भी सकारात्मक फील करने लगेगा आपके मन या आपके सोच के कारण। फिर यहाँ पे भी आड़ी रेखा होना इन्हीं सब योगों को और मजबूत कर देता है, विदेशी भूमि भ्रमण और वहाँ से लाभ। और आपके भाग्य रेखा में बहुत माइनर सी ये लाइनें हैं, पतली पतली सी हैं, जो कि विदेश से, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से, जन्म स्थान से दूर होने वाले प्रोग्रेस से, इन सब के सपोर्ट, सहयोग के द्वारा लक लाइन जो है आपकी मजबूत होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से हल्की हल्की लाइन जो है यहाँ से निकलते हुए आपकी इस प्रकार से जो है बुध के तरफ झुकाव लेते हुए जा रही है। सर्वप्रथम ये पहले तो हेल्थ इंप्रूवमेंट लाइन है जो स्वास्थ्य को और इम्प्रूव करती है व्यक्ति के। दूसरा ये साम्राज्य बैठने के योगों को भी व्यक्त करता है कि आपके अंडर में दूसरे लोगों का दिनचर्या चलेगा, रोजी रोटी चलेगी। तो व्यापार में कहीं ना कहीं हाथ आजमाना या व्यापार में आगे चल के उन्नति के बहुत प्रबल योग हैं। तो ये जो लाइन्स हैं बहुत यहाँ पर शार्प और अच्छी हैं,
प्रॉपरली मुझे कोई भी ऐसा मनी ट्रायंगल नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे कहीं ना कहीं गैप बन रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो धन की तो कभी कोई कमी या फिर फाइनेंशियल लॉस या क्राइसिस अब आने वाले जीवन में तो कतई नहीं दिख रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और रह गया हो तो